हेलो व्हाट्सअप गाइस माय मैंने विनोद बाबू था आपा एंड वेलकम टू जाब्रिप्ट इन हंड्रेड डेज जी हाँ गाइस तो आज है हमारा थर्टी सिक्स डे एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऑसम होंगे एंड अभी तक अगर आपने बाकी की तो के प्रीवियस चैलेंजेस को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा एंड दूसरी बात वर्ल्ड वेड जाब कोर्स को भी अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आज हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है ऑन ऑब्जेक्ट कल के दिन भी ऑब्जेक्ट पे ही था एंड आई होप आप मैंने कल भी आपको कहा था, 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 था प्लीज़ ये जो ऑब्जेक्ट वाला जो सब्जेक्ट है आई मीन टॉपिक है उसको चेकआउट कर लीजिएगा मैंने चैप्टर्स टाइम लाइन एड किया है बस उतना आप देख लीजिए आपकी हेल्प हो जाएगी ठीक है तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है उनके लिए जिनको मालूम है कि ऑब्जेक्ट में जो मेथड्स है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एल्स आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पे वो माई गॉट ये मैं कैसे करूँ क्योंकि आज आपको ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है एंड देन अगेन उस एरे को आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा

सो so गैस यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव एन ऑब्जेक्ट विथ थ्री की वैल्यू पेयर्स जिसमें आप देख सकते हो नेम कोडिफायर हाइफन थापा तो आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि व्हाट इज़ दिस कोडिफायर तो बताना चाहूँगा गैस मैंने अपनी एक कंपनी रिसेंटली लॉन्च की जिसका नाम है कोडिफायर डॉट कॉम जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं एंड बहुत जल्द हम फिजिकली ऑफलाइन भी लेने वाले बट फिलहाल अभी हम ऑनलाइन ले रहे हैं एंड हमारा जो पाइथन क्लासेस है वो सिक्स मे को स्टार्ट होने वाला है सो गैस इफ यू आर इंटरेस्टेड जो कंपनी में एज अ टीम लीडर है यू नो पाँच साल का एक्सपीरियंस एम एन कंपनी में जॉब कर वो आपको सिखाएंगे तो बहुत ही कुछ आपको सीखने मिलने वाला बहुत मजा आने वाला है आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये जो तीस दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है आपको इंटर्नशिप मिलेगा सर्टिफिकेशन मिलेगा बहुत कुछ मिलने वाला है मैं भी रहूँगा बहुत मजा आएगा यू नो तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा व्हाट्सअप भी है और रजिस्ट्रेशन नाव भी है आप जरूर चेकआउट कीजिएगा सिक्स में को स्टार्ट होने वाला है एंड हाँ एक और चीज़ प्राइस आप कहीं भी पूछ लीजिए कोई भी आपको 20 30 दस हज़ार से कम नहीं बोलेगा हम सिर्फ आपको 3999 में पढ़ा रहे एंड आई है स्पेशल कूपन अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है और right, राइट उसको अभी फिलहाल आप देख लीजिए अगर आपको मन हो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है तो आज हमें देखो कैसे क्या करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या करना है राइट right? तो नाउ इट्स योर चांस कि आप अभी के अभी वीडियो को कीजिए पॉज एंड खुद से कोशिश कीजिए कि इस प्रोग्राम को आप कैसे खुद से सॉल्व कर सकते हो सो आई होप गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ने आई मीन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कैसे किया इसको ठीक है सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट पहले से तो सबसे पहले तो मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है ठीक है सो देख लीजिए आपको ऑलवेज है ना जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो ये सोचना है कि फिलहाल आप किस में काम कर रहे हो हम जाक्रिप्ट में कर रहे हैं जास्क्रिप्ट के बाद हम किस पर्टिकुलर टॉपिक्स uh, में हम काम कर रहे हैं जास्क्रिप्ट का कौन सा पार्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है अब ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है तो मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे मेथड्स है जिसके चलते मैं एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ अब आपको ये सोचना है तो आप सर्च कर सकते हो अगर आपने कभी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा या अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम अगर आप टैकल कर रहे हो जस्ट सोचो कि ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कुछ मेथड या प्रॉपर्टी है या नहीं एक बार आप सर्च कर सकते हो बट मुझे तो मालूम है कि यस वी हैव वन प्रॉपर्टी तो देखो कैसे कॉन्स्ट एंट्रीज लिख देता हूं मैं यहां पे है ना विल बी इक्वल टू मैं क्या लिखता हूं कॉन्स्ट भी क्यों लिखना लेट लिख देता हूं मैं फिलहाल ठीक है ताकि आगे अगर मुझे कुछ चेंज करना रहा तो जैसे कल के वीडियो में बताया था वी हैव वन क्लास कॉल ऑब्जेक्ट ठीक है इंटरफेस दिखा रहे हैं यहाँ पे एंड वी हैव एक प्रॉपर्टी आई मीन वन मेथड बाय द वे एंड दैट मेथड नेम इज एंट्रीज तो एक फंक्शन दिखा रहा है रिटर्न्स एन एरे ऑफ की वैल्यूज दी इन्यूरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखा ऑब्जेक्ट अगर आप पास करते हो देन वो आपको एक एरे रिटर्न करेगा विथ की वैल्यूज ठीक है तो यही तो मुझे चाहिए था एंड मैंने ये कर दी एंड इस पर मेरा वो जो ऑब्जेक्ट वो मैं पास कर रहा हूँ परफेक्ट लेट चेक इट आउट अगर इसको कंसोल डॉट लॉग एंड देन एंट्रीज में पास करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एरे एरे मैप फिल्टर रेड्यूज फॉरिन फॉरवा पीपूस पॉप सिप्ट ये सब हम देखते रहते हैं यू नो बट ऑब्जेक्ट भी तो उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ऑलरेडी uh, देखो इसी तरीके का ही आपको डेटा आने वाला है ऑब्जेक्ट को मैंने एरे में कन्वर्ट कर दी है परफेक्ट राइट right? अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये किस तरीके के आ यार ये तो एरे के अंदर एरे है क्या ये आई मीन वी हैव एन एरे परफेक्ट बट हमारी जो एक एक की वैल्यू जो पेयर है ना वो भी एक एरे के अंदर एड हो गई है ठीक है तो अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ एरे के अंदर चाहिए डेटा जो भी है अपना देन वॉट यू कैन डू इज आप यहाँ पे चल सकते हो ये जो एक और कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ मैं एंड वी हैव दिस एंट्रीज क्योंकि अब तो ये एक एरे बन चुका है एंड वी हैव फ्लैट मेथड ठीक है तो फ्लैट में आप कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हो उतने डीप लेवल में जाके वो जो ब्रैकेट्स है उसको रिमूव कर देता है तो थोड़ी देर पहले आपको कुछ वैसा दिखाई दे रहा था बट नाउ अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये देखो ये आपका एक्चुअल आउटपुट है बट आफ्टर यूजिंग फ्लैट मुझे नेम एक अलग कोडिफायर थापा एक अलग एज एक अलग वैल्यू बेसिकली वैल्यू क्या बोलना एलिमेंट कह लीजिए इसकी अलग तो बेसिकली एक एरे के अंदर सभी मुझे एज एन लाइक की वैल्यू पेयर सब मेरे लिए बराबर हो गए सभी मेरे लिए एक एलिमेंट की तरह मुझे काम करते हुए मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या था कि ये एक वैल्यू है ये एक अलग वैल्यू है एंड ये मेरी एक अलग वैल्यू क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज थी ना तो इन्होंने इसलिए ऐसा किया अगर आपको एक इंडिविजुअल चाहिए रहता देन वी कैन गो विद दिस फ्लैट मेथड बट मैं फ्लैट को एज इट इज रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसको कंसोल पे ही रखा बाकी कुछ नहीं किया एक्चुअल में ठीक है अब एंट्रीज जो है वो तो अब मेरा एक एरे बन चुका है ना मुझे उस एरे को बैक टू नॉर्मल लाइक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा अब देख लो फिर से हाँ अब आप एरे के साथ डील कर रहे हो एंड उस एरे को अब आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि एरे में कुछ ऐसा मैथड uh, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अगर मैं यूज करूँ तो वो कन्वर्ट हो जाए वापस ऑब्जेक्ट में ये अब आपको एक बार सोचना पड़ेगा कुछ इस तरीके से एल्स आप अगर ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो तो क्या ऑब्जेक्ट में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि जिसमें अगर मैं एरे पास कर दूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दे दे क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में जब मैंने ऑब्जेक्ट पास की तो उसने मुझे एरे दे दिया तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे प्रॉपर मैथड हो जिस पे अगर मैं एरे पास कर दूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दे दे ये दो तरीके से आपको सोचना है फिर आपको ऑनलाइन सर्च करना है ठीक है तो मैं आपको बताता हूं देखो, जैसे मैंने यहां पे जो लिखा लेट मैं यहां पे लिख देता हूं न्यू ऑब्जेक्ट ठीक है विल इक्वल टू देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लास है ऑलरेडी यहां पे वी हैव वन मोर आप कह सकते हो एक मेथड ऑफ फ्रॉम एंट्रीज सो रिटर्न एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाई अ की वैल्यू एंट्रीज फॉर द प्रॉपर्टीज एंड मैथड आई I मीन mean, आप समझ जाओ यहाँ पे कि ये आपको रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आई मीन ये एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है तो फ्रॉम एंट्रीज पे आप जाइए एंड यहाँ पे वो जो एंट्रीज था आपको आप उसको एंटर कर दीजिए एंड देन यू नीड टू लाइक कंसोल डॉट लॉक ताकि आपको वो वैल्यू देखने को मिले कंट्रोल एस सेव एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ तो इनको मैं हटाता हूँ यहाँ पे मैं क्लीन करता हूँ तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो ये तो मेरे ऊपर के डेटा है बट ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेम कोडिफायर हाइफन आई मीन स्पेस थापा कॉमा एज थर्टी सिटी पुणे तो वापस देखो ऑब्जेक्ट को पहले मैंने एरे में कन्वर्ट किया उसको फ्लैट कर दिया एंड देन जो मेरा एरे था ये फर्स्ट वाला उसको मैंने वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दी तो कल की वीडियो में हमने ये देखा कि हम ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर इट्स एम टी और नॉट देन आज हमने देखा ऑब्जेक्ट में ही कि ऑब्जेक्ट को एरे में एंड देन एरे को ऑब्जेक्ट में हम कैसे वापस कन्वर्ट uh, कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एंड ये आपकी लाइफ को भी बहुत ईजी कर देता है तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा कुछ नया सीखने मिला होगा आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वन सेकेंड ये जो कोडिफाई डॉट कॉम में अपना जो पाइथन क्लासेस है इसको जरूर uh, आप ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको पाइथन सीखने का मन हो बिलीव में बहुत ही ज़्यादा मजा आने मैं तो तीस दिन रहूंगा रहूंगा लेकिन जो टीचर है वो भी बहुत औसम है वो खुद कंपनी में काम कर रहा है एमएनसी में ठीक है सो या दिस इज इट गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा लाइक टारगेट हम रखते सिर्फ हंड्रेड लाइक्स कुछ भी आपके माइंड में डाउट हो या आपने जो इसको सॉल्व किया डिफरेंट तरीके से तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड अगर आप कोई क्वेश्चन से आपके मन में इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एंड वो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो सो so, हमारा नेक्स्ट टारगेट इज़ वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर